चाहे हम कहते हो कि आप तो नंद बाबा के लाल हो, चाहे हम कहते हो कि आप तो यशोदा के लाल हो। कहा भयो जो भय नंद नंदन, अब यह पदवी पाई। क्या हो गया जो आप नंद के लाला हो? क्या हो गया जो बूढ़ी यशोदा आपको अपना बेटा मानती हो? अरे अब तो आप मथुरा के राजा हो गए हो, और जब बड़ी पदवी मिले, बड़ी संपत्ति मिले, तो लोग तो अपने परिवार को भूल जावें, अपने सगे संबंधियों को भूल जावें, और आप तो सिर्फ अपने मैया बाबा को भूल गए हो। आप तो ये भूल गए हो कि आप नंद नंदन हो। और जब बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी संपत्ति मिले, और जब बड़े बड़े परिवार को भूल जावें, और आपने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, सिर्फ अपने माता पिता को भूल गए हो। अच्छा हुआ, चलो माता पिता को भूल के भी सौदा अच्छा रहा, सिर्फ माता पिता को भूलना पड़ा और इतनी बड़ी पदवी मिल गई कि राजा बन गए। हमारा तो कोई संबंध नहीं था, हम तो आपको कुछ कह नहीं सकते। पीड़ा तो हमको ये है, नंद नंदन कहलाने पे आप पहले गर्व करते थे, नंद यशोदा के पुत्र होने पर आपको अभिमान था, लेकिन वहां मथुरा का राज देखा, और जो माता पिता को भूल जाए उससे और क्या अपेक्षा रखे। जिसकी गोद में पल के बड़ा हुआ यदि उसको भूल जाए, तो हमको भूले उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए तो गोपियां कह रही है, सही। अब वहां यादवों के स्वामी हो गए, यादवों के पति हो गए, और फिर तो हमारे पास आते शाम को संकोच नहीं होगा। और इस सखी संकोच शाम कर रहे हैं, वो तो आना चाहते हैं, लेकिन अब सोचते होंगे कि अब तो मैं मथुरापति हो गया हूं, यादवों का स्वामी हो गया हूं। तो इतने बड़े यादवों के स्वामी होके हमारे छोटे से गांव के अंदर आते, वो लजाते होंगे। अरे वो तो जहां यादवों के पति हो गए, यादवों के स्वामी इतने बड़े हो गए हैं कि राजा भी पूछ पूछ के सलाह करते हैं, अब इतने बड़े व्यक्ति यदि छोटे से गांव में आवे, गरीब ग्वालों के संग बैठें, उनको लाज आएगी, इसलिए नहीं आते सकी। वो तो आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आवे, अब तो वो बड़े हैं और हम तो साधारण हैं, और हमारे पास आते उनको संकोच हो रहा है, और इसलिए नहीं आते होंगे। ऐसे भय वहां यादव पति गए गोप बिसराई, मथुरापति होके उन गरीब गोपों को भूल गए, जो गोप श्याम सुंदर के देख देख के जिया करते थे, श्याम को अपना मान के ही वो सर्वस्व जीवन व्यतीत किया करते थे। सूरदास यह बचको ना तो भूल गए बल भाई। और देखो तो सही, जिस वज के लिए ठाकुर जी कहते कि ये मेरी भूमि है, जिस भूमि के लिए प्रभु कहा करते थे कि मैं ब्रज को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता,
जिस ब्रज के लिए ठाकुर जी कहते थे कि ये भूमि मेरा ही स्वरूप है, और देखो तो सही अब उसी भूमि में आते ठाकुर जी लजाते हैं, क्योंकि अब तो बड़े राजा हो गए, अब हम क्या कह सके। इसलिए तो कह दिया सूर्य बजना तो सूर्यदास यह ब्रज को संबंध की दुहाई दे दे के हम अधिकार जता रही हैं कि प्रभु को आना चाहिए। किस संबंध के नाते हम प्रभु से कह रही हैं प्रभु आपको हमारे पास आना चाहिए। हे उद्धव और कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना है ये मन यही कामना करता है। जब ब्रज को छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से उज्जैन गए, वहां से वापस मथुरा लौट आए, हमको लगता है चाहे सब जगह प्रभु जाएंगे लेकिन अंत में ब्रज जरूर लौटेंगे और आके हमारा हाथ थाम के हमसे कहेंगे कि गोपियों देखो मैं तुमसे दूर गया, लेकिन जहां पे भी गया हे गोपियों मैंने मात्र तुम्हें याद किया है। हे गोपियों मैं सब जगह जाके देख लिया, लेकिन हे गोपियों जितना प्रेम तुमने मुझे किया है इतना प्रेम मुझे कोई नहीं दे पाया। हे गोपियों सर्वत्र जाके देख लिया लेकिन सिर्फ मुझे चाहने वाला कोई नहीं मिला। गोपियां कहने लगी सिर्फ इतना आश्वासन दे दो उद्धव, आप तो प्रभु के सखा हो, आप तो प्रभु के मित्र हो, आप तो वो सखा हो जिनको प्रभु अपना कहते हैं, अपना स्वरूप कहते हैं, कृपा करके इतना अभयदान हमको दे दो, इतना आश्वासन दे दो कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा, क्या कोई पल ऐसी आएगी कि प्रभु हमारे सामने पधारेंगे पर अपना श्रीहस्त हमारे मस्तक पे पधरा के हमको अभय दान देंगे। हे उद्धव एक बात कह दो, क्या ऐसा दिन आएगा, क्या हमको प्रभु के दर्शन होंगे, क्या जो स्नेह प्रभु का हमको पहले मिला वो प्रेम अब भी मिलेगा। हे उद्धव हमको बताओ, हे उद्धव एक बार कह दो कि श्याम हमको जरूर दर्शन देंगे। हे उद्धव एक बार हमको कह दो कि श्याम जरूर मिलेंगे, अपना श्रीहस्त हमारे माथे जरूर पधराएंगे। कहते कहते जहां गोपियों का सबर का बांध टूट गया, उद्धव जी ने देखा कि गोपियों की तो ऐसी दशा हो गई है कि उनका जीना असंभव सा लगने लगा, जी ही नहीं पाएंगी। रो रो के देखो तो सही पूरी गोपियों के आंसुओं का सागर यहां भर गया है। और जहां उद्धव ने गोपियों से कहा देखो गोपियों मैं तुम्हारे लिए श्याम का संदेश लेके आया हूं, श्याम ने मुझे तुम्हारे लिए संदेश लेके भेजा है। और जहां गोपियां ने यह शब्द सुना ऐसे लगा मानो किसी ने गाली दे दी हो, और जैसे व्यक्ति चौंक जाए
और जैसे उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारे लिए शाम का संदेश लेके आया हूं, और गोपियों को ऐसे लगा किसी ने कोई गाली दे दी हो, ऐसे चौंक के उद्धव जी की ओर देखा, कहने लगे क्या कह रहे हो तुम? बोला मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए शाम का संदेश लेके आया हूं, प्रभु तुम्हें याद करते हैं और प्रभु ने तुम्हारे लिए ये संदेश मेरे संग भेजा है। गोपियां कहने लगी, चाहे तुम समझते हो कि हमें प्रभु का देशांतर वियोग है, पर इतना सामर्थ्य तो प्रभु का भी नहीं है कि हम गोपियों से दूर श्याम सुंदर जा सके। इतना सामर्थ्य श्याम का भी नहीं है तुम्हारे कि जो हम गोपियों को छोड़ के जा सके। उद्धव ने कहा, कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि मथुरासुर में ठाकुर जी का संदेश लेके तुम्हारे पास आया। और गोपियां कहती हैं, हमें श्याम का तो पलकांतर वियोग है, वनांतर वियोग में है, लेकिन देशांतर वियोग का अनुभव हमने कभी नहीं किया। प्रभु तो हमारे कहीं गाय चराने पधारे होंगे, और प्रभु पधारते ही होंगे, प्रभु आते ही होंगे। उद्धव जी ने कहा, कैसे हो सकता है? अभी तो तुम रो रही थी, श्याम नहीं है, श्याम चले गए, श्याम तुम्हें छोड़ के चले गए, श्याम तुम्हें अकेला रख के चले गए, और अब कह रही हो कि श्याम सुंदर तुम्हें छोड़ के कभी गए नहीं, अब कह रही हो कि श्याम सुंदर तुम्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, अब कह रही हो श्याम तुम्हें छोड़ के कभी रह नहीं सकते। अरे कैसे हो सकता है? मैं मथुरा से आया हूं और श्याम का दिया हुआ पत्र तुम्हारे पास लेके आया हूं। और जहां पत्र देखा, गोपियां कहने लगी, अरे उद्धव क्या बतावें, जो हमारे रोम रोम में समा रहा है, जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हम कैसे मान लेवें कि उसने हमको कोई पत्र भेजा हुआ हो। क्योंकि संत भी कहते हैं कि प्रीतम को पतियां लिखूं, प्रीतम को पतियां लिखूं, पर वो वह वे परदेश, प्रीतम को पतियां लिखूं, पर वो वह वे परदेश, पर जो मेरे तन में मन में और नैनन में वाको का संदेश। अरे संदेश तो उसका आवे जो हमको छोड़ के कहीं बाहर गया हो, पर जो हमारे नैनों में बसते हैं, जो हमारे हृदय में बसते हैं, और जो हमारे रोम रोम में बस रहे हैं, हम कैसे मान लें कि तुम उसका संदेश लेके आए हो। उद्धव को मन ब्रह्म हो गया, विचार करने लगे कैसे हो सकता है, अभी तुम रो रही हो एक तो कि श्याम तुमको छोड़ के चले गए, और जब मैं पत्र दिखा रहा हूं और तुम कह रही हो श्याम तुम्हें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, कैसे हो सकता है? श्याम मथुरा में है, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वो श्याम मथुरा रह रहे हैं। गोपियों ने कहा, हमारे श्याम हमको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। उद्धव ने कहा, हो ही नहीं सकता। गोपियों ने कहा, उद्धव यदि तुम मानते हो कि श्याम तुम हमको छोड़ के चले गए, तो देखो उस कुंज लता के नीचे। और जहां कुंज की ओर देखा, और उद्धव चौंक गए, क्या देखा कि वृंदावन की कुंजों के अंदर बैठ के ठाकुर जी श्री राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। उद्धव यहां देखो, गोधुली बेला होई और मेरे प्रभु पधारते होंगे। उद्धव ने कहा, कैसे हो सकता है, प्रभु तो मथुरा है। और जहां उद्धव जी ने दृष्टि करी, वहीं गायों के चलने के कारण रज उड़ने लगी। आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे प्रभु के सखा हैं, और उसके पीछे ठाकुर जी कांधे कमलिया लेके और हाथ में बंसी लेके गाय को हियो हियो करते हुए चराते हुए आ रहे हैं। और जहां ये दृश्य उद्धव ने देखा, विचार करने लगा, ब्रह्म में पड़ गया कि मैं जहां से संदेश लेके आया हूं वो सत्य है, या मेरी आंखें यहां जो देख रही है ये सत्य है। गोपियों के प्रेम का ऐसा सागर उमटा, गोपियों के प्रेम का ऐसा सागर उमटा, मानो गोपियों के प्रेम की सरिता के तट पे उद्धव खड़े हों, और उसमें ऐसी प्रेम सरिता की बाढ़ आई कि तट पे खड़े हुए उद्धव को खींच के अपने संग बहा के ले गई। उद्धव अपना अस्तित्व खो बैठे, भूल गए कि ये देख रहा हूं ये ब्रह्म है, या फिर मैं जो मथुरा से सोच के आया हूं, मथुरा से कह के आया हूं ये ब्रह्म है, मूर्छित होके गिर पड़े। जहां फिर से जागे, विचार करने लगे, ये सत्य है कि असत्य है? हे गोपियों, तुमने जो आज लीला का दर्शन मुझे कराया, तुमने जो मुझे बताया कि श्याम तुम्हारे वश सर्वदा है, तुम्हें छोड़ के श्याम कभी जा ही नहीं सकते। उद्धव कहने लगा, मैं तो ये सोचता था कि आके तुम्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा, लेकिन हे गोपियों तुम्हारा जो प्रेम देखा, मुझे लगता है उपदेश तो क्या, मैं तो तुम्हारे संग बात करने के लायक भी नहीं हूं। हे गोपियों, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा भाव जो है वो देख के मेरा ज्ञान का मद चूर चूर हो गया। देखो मैं तुम्हारे लिए श्याम ने ये पाती भिजवाई है। और जहां स्नेह पत्र लेके उद्धव ने सखियों के हाथ में दिया,
सखियां कहने लगी, ये तो वो पत्र है जिसका स्पर्श मेरे श्याम ने किया होगा, ये तो वो पत्र है जिसके ऊपर मेरे श्याम के हस्त का स्पर्श हुआ होगा, ये तो वो पत्र है जिसको मेरे श्याम ने अपने दोनों हाथों में लिया होगा। पर हमको पत्र लिखने से पहले श्याम ने जरूर अपने हृदय से लगाया होगा। पत्र को लेके गोपियों ने अपने हृदय से पत्र को लगाया, रोने लगी और कहने लगी, देखो तो सही, ये श्याम ने हमको पत्र भिजवाया है, श्याम का पत्र लेके आए हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों ये पत्र पढ़ो तो सही। और गोपियां कहने लगी, हमने तो पत्र का हृदय से स्पर्श करा के मेरे श्याम का स्पर्श महसूस किया, लेकिन हम तो बच की गवारन है, बच की अनपढ़ गोपियां हैं, हम कैसे पत्र पढ़ेंगी। और उद्धव जी को प्रभु के आगे कहे अपने शब्द याद आए, जब प्रभु ने उनको भेजा और उद्धव जी के मुख में यही शब्द थे कि वो तो ब्रज की अनपढ़ गवारन है, उनको मैं क्या उपदेश दूंगा। और जहां वही शब्द गोपियों के मुख से सुने, उद्धव जी चौंक गए, ये कैसे जानती है कि मैंने इनके लिए ये शब्द कहे थे। और जहां गोपियों ने कहा, हम तो पत्र नहीं पढ़ सकती, हे उद्धव ऐसी कृपा करो कि तुम ही ये पत्र पढ़ के हमको सुनाओ। उद्धव जी सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं पत्र। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित् आत्मवात् भक्षवशात् सत्यवक्त्वात् स्वभावतः। भगवान ने पत्र में लिखा था, उद्धव जी कह रहे हैं कि हे गोपियों, मुझे तुम्हारा बिल्कुल वियोग नहीं है। उद्धव जी पहला शब्द सुन के ही चौंक गए, सोचा था कि प्रभु ने शायद लिखा होगा कि मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं, मैं भी तुम्हारे लिए रो रहा हूं, मैं भी तुम्हारे लिए आहें भर रहा हूं, तो शायद सुन के गोपियों के मन का निराकरण हो जावे, गोपियों के मन को शांति मिले। लेकिन ये क्या, पहला शब्द ही प्रभु ने लिखा कि हे गोपियो, मुझे तुम्हारा बिल्कुल वियोग नहीं है, और हे गोपियो तुम भी मेरा बिल्कुल वियोग मत करना, क्योंकि वियोग तो वहां होता है जहां दूरी हो, और हे गोपियों मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं, मैं तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारे नेत्रों में हूँ, तुम्हारे रोम रोम में मैं सवाया हुआ हूँ। और देखो आत्मत्वाद, मैं आत्मत्वाद के कारण भी तुमसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हरेक की आत्मा हूँ, और हे गोपियों तुम्हारी आत्मा भी मैं हूँ, और मैं तुम्हारे पास हूँ, इसलिए तो तुम जी रही थी, यदि मैं तुम्हारे पास नहीं होता तुम कैसे जी सकती। कहा भक्षवत्वाद, भक्त वश्य प्रभु हैं, और कहा कि मेरा भक्त कैसा भी क्यों ना हो पर मैं तो भक्त वश हूं, बड़े बड़े संसार के बंधन में तोड़ सकता हूं, पर मेरे भक्त के प्रेम का बंधन तोड़ने का सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है, और मेरे भक्त से मैं कभी दूर नहीं रह सकता, इसलिए हे गोपियों तुम मेरा वियोग मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूं, सत्य स्वरूप से मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, इसलिए गोपियों तुम मेरा वियोग मत करो, मैं तुम्हारे संग ही हूँ। स्वभावतः मेरा स्वभाव है कि जहाँ मुझे पुकारने वाले हों, मुझे प्रेम करने वाले हों, मुझे प्रेम से आवाज़ देने वाले हों, उसको एक क्षण भी मैं नहीं छोड़ सकता। श्री महाप्रभु जी ने भी उसमें एक लाइन जो व्यास जी भूल गए थे जोड़ी, यथा भूतानि भूतेषु तं वायु अग्नि जलम मही, कहा देखो ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत से ही ये हमारा देह बना है, ये पंच महाभूतों से ही देह बना है, और ये पंच महाभूतों के अंदर हे गोपियों मेरा ही वास है, तो तुमसे मेरा वियोग कैसे हो सकता है। तुम्हारा देह भी ये पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूतों के रूप में मैं ही तुम्हारे अंदर विद्यमान हूं, और मैं ही तुम्हारे रोम रोम में हूं, इसलिए ना तो मुझे तुम्हारा वियोग है और ना ही तुम मेरा वियोग करना, क्योंकि मैं तुम्हारे रोम रोम में विद्यमान हूं। और देखो तो सही, मैं दूर इसलिए चला गया था, इसलिए दूर गया ताकि तुम्हारे रोम रोम में जो मैं बसा हूं वही तुम्हें मेरी अनुपस्थिति में मेरी उपस्थिति का स्मरण कराता रहे। लेकिन देखो तो सही गोपियों, पूरा जीवन तुमने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और बदले में कोई आशा भी ना रखी, उसके कारण मैं तो तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ, और जैसे कोई ऋणी हो और गांव छोड़ के चला जाए, इसलिए मैं भी गांव छोड़ के चला गया, पर हे गोपियों मैं तो तुम्हारे ऋणी हूँ। और जहाँ उद्धव जी दंग रह गए देख के कि गोपियों के प्रेम को देखा, और ऐसे गोपियों के प्रेम को देखा कि जिनको ठाकुर जी कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते,
पर वो उद्धव जी विवश हो गए, मानो सारा सामर्थ उनका चला गया हो। ऐसे ही गोपियों की चरण रज में लौटने लगे कि हे गोपियों, मेरा इतना सामर्थ नहीं है कि मैं तुम्हें वंदन कर सकूं, मैं तो तुम्हारी चरण धूलि को लेके अपने पूरे शरीर में लगा लूं, अपने पूरे अंग पे लगा लूं, ताकि जैसा भाव तुम्हारे हृदय में जागा है ऐसे शाम की अनुभूति मुझे भी हो जाए। उद्धव जी तो मूर्छा आ गई, मूर्छित होकर गिर पड़े और गोपियों की रज में लौटने लगे। वंदे नंदी नाम बाद कहने लगे, मेरा इतना सामर्थ नहीं है कि मैं गोपियों को कुछ कह सकूं, इतना सामर्थ नहीं है कि गोपियों की स्तुति भी गा सकूं, मैं तो उनकी चरण रज में लौटूं तो भी मैं अपने आप को समा नहीं सकता। बीच में राधा जी बैठी हैं और राधा जी से उद्धव ने कहा कि राधा जी, श्याम ने आपके लिए भी एक संदेश भेजा है। राधा जी ने कहा, क्या संदेश भेजा है, सुन पाओगी? बोले हाँ। और संदेश देते हुए उद्धव ने कहा कि ये पत्र लेके श्याम ने मुझे कहा कि मेरी राधा को ये जरूर सुनाना, मेरी राधा से इसका उत्तर लेके आना और जरूर पूछना कि ये मेरे संग राधा ने क्यों किया। राधा जी ने कहा, मैंने क्या किया? और श्याम सुंदर कहने लगे, राधा जी से कहना वृषभानु सुते ललने, पूछना कि हे राधा जी, हे वृषभानु सुता ललने, हम कौन कियो अपराध तिहारो जो छोड़ दियो ब्रज मंडल ते। हे राधा जी, कृपा करके मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि आपने मुझे ब्रज से बाहर निकाल दिया, ऐसी कौन सी क्षति मुझसे हो गई कि आपने मुझे अनाथ कर दिया, अपने परिकर से दूर भेज दिया। आप तो जानते हो राधा जी कि ब्रज छोड़ के मेरी क्या दशा हुई होगी, आप तो जानते हो राधा जी कि आपको छोड़ के मेरी क्या दशा हुई होगी, आप तो जानते हो राधा जी कि मेरी गोपियों से दूर रह के मेरी क्या दशा हुई होगी। ए राधा जी, आपने ऐसा क्यों किया? वृषभान सुते ललने, हम कौन कियो अपराध तिहारो, हमें छोड़ दियो ब्रज मंडल ते, नहीं जात वियोग सहयोजु तिहारो ब्रजबाल सबे लकुटी कमली। हे राधा जी, अब मुझसे आपका वियोग सहन नहीं होता, हे राधा जी कृपा करो, मुझे पुनः कृपा करके अपने ब्रज मंडल में प्रवेश दो। राधा जी, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली कि आपने ब्रजभूमि से मुझे दूर कर दिया। हे राधा जी कृपा करो, कृपा करके मुझे पुनः ब्रज में प्रवेश दो, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे स्नेह देने वाला, मुझे प्रेम करने वाला अब कोई नहीं रहा, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ, हे राधा जी कृपा करो और कृपा करके मुझे ब्रजमंडल में पुनः प्रवेश दो, बिल्कुल असहाय हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा जीवन असंभव लगने लगा। जहां ये शब्द सुने राधा जी की आंखों में अश्रु आ गए, फूट फूट के राधा जी रोने लगे, फूट फूट के राधा जी रोने लगे, कहने लगे, अरे मैं कौन होती हूं मेरे शाम को निकालने वाली, वो तो मेरे आत्मा है, वो तो मेरे प्राण है, और मेरा क्या सामर्थ कि मैं श्याम सुंदर को ब्रज से दूर निकाल दूं। हम तो आपकी दासियां हैं, आपकी एक आज्ञा के ऊपर अपने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, हमारा इतना क्या सामर्थ, हमारा इतना क्या अधिकार कि हम शाम को अपने से दूर कर दें, जिसको देख देख के जीती हैं, जिसको देख देख के हम अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, उसको अपने से कैसे दूर कर सकते हैं। जाए शब्द राधा जी के सुने और उद्धव जी भी कहने लगे, आसा महो चरण रेणु जो शाम हम सात वृंदावने किमपि गुलमलशो रदोष दी नाम। हे विधाता, जब ये ब्रज के अंदर प्रभु का प्रेम का जो साकार रूप मैंने देखा, हे प्रभु, हे विधाता, यही विनती मैं आपसे करता हूं, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, यही विनती करता हूं, यदि जीवन में पुनर्जन्म होता है तो हे कृपानाथ, यदि अगला जन्म मुझे मिले तो मुझे कोई मनुष्य देह मत देना, पर इस ब्रज की कोई लता पता बना देना, इस ब्रज की कोई औषधि बना देना, ताकि लता पता के रूप में यही पड़ा हुआ रहूं और जैसे गोपीजन आवे और उन गोपीजनों की चरण रज में मैं नहाता रहूं, उस गोपीजनों की चरण रज के अंदर मैं अपने आप को कृत कृत करता रहूं। मुझे कोई बड़ा अवतार नहीं चाहिए, बड़ा कोई देह नहीं चाहिए। मुझे काका जी पधारे, श्री वल्लभा, मुझे कोई बड़ी स्थान नहीं, बड़ी पदवी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसी कृपा करो, यदि अगला जन्म मुझे मिले तो यही ब्रज के अंदर कोई लता पता, कोई औषधि बना के विधाता मुझे भेजना,
ताकि जब हे श्याम करती हुई गोपियां जब श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए निकले, काका जी, जब हे श्याम करती गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए निकले और जब भागती भागती वो जा रही हो, उनके चलने के कारण उनकी चरण रज उड़े और चरण रज से मैं स्नान करता रहूं, तब मुझे लगे कि मेरा जीवन धन्य हो गया, तब मुझे लगे मेरा जीवन कृत्य कृत्य हो गया। यही बात यहाँ उद्धव जी विनती कर रहे हैं विधाता से कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं गोपियों से बात भी कर सकूं, यही कृपा होए कि मुझे गोपियों की चरण रज प्राप्त हो। महीनों तक ब्रज में रहे, चरण धूलि में लौटते रहे और गोपियों के संग सत्संग करते करते उनका जो पूरा ज्ञान था प्रेम के रंग से रंग चुका था। विचार आया इतना दिन हो गया, अब हमको भी ब्रज मथुरा जाना चाहिए, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मेरा उद्धव अभी तक क्यों नहीं आया, प्रभु राह देखते होंगे कि मेरा उद्धव क्यों नहीं आया। विचार करके जहां उद्धव गोपीजनों की आज्ञा लेने गए, गोपीजनों ने कहा हे उद्धव जब श्याम के पास जाओ तो कहना कि हे श्याम अब कब कृपा करोगे, हे श्याम अपनी गोपियों को याद रखना, हे श्याम गोपियों का नाम कभी तो अपने मुख से उच्चारित करना, क्योंकि जब जब भी हमारे देह में रोमांच होगा तो हमें लगेगा कि आज आपने अपने मुख से हमारा नाम लिया है, जब जब भी हमारे आंखों में से अश्रु आएंगे हमें लगेगा कि आज जरूर हमें याद करके आपके हृदय में पीड़ा का अनुभव हुआ है, आज हमें याद करके आपका हृदय भी तड़पा है, तब जाके हमारी आंखों में अश्रु आते हैं, क्योंकि आप ही तो हमारे रोम रोम में हो, आप ही तो हमारे अंश अंश में हो। और जहां ये बात कह रही थी वो गोपियां ऐसी प्रेममग्न हो गई थी कि जिसको प्रभु का संदेश सुनाने के लिए उद्धव जी आए थे, पर ऐसी प्रेममग्न गोपी के दर्शन जब उद्धव जी ने किए दिग्मूड हो गए, क्या देखा कि जितनी जितनी गोपियां हैं एक एक गोपी के एक एक रोम में एक एक श्याम सुंदर का स्वरूप विराजमान है, जितनी गोपियां हैं जितनी जितनी गोपियां हैं उतनी इतनी गोपियों के जब दर्शन उन्होंने करे और क्या देखा कि प्रत्येक गोपी के एक एक रोम में एक एक श्याम सुंदर का स्वरूप विराजमान है। जब ये दर्शन किया विचार करने लगा कि मैं किसको अपना उपदेश सुनाने के लिए आया, उन गोपियों को कि जिनके रोम रोम में श्याम विराजमान है, ऐसा प्रेम के बंधन से गोपियों ने श्याम को बांधा है कि उसको छोड़ के श्याम कभी जा ही नहीं सकते, और उनको मैं ये उपदेश देने आया था। गोपियों से आज्ञा ली, सखाओं से आज्ञा लेने गए, सखाएं भी कहने लगे कि हे उद्धव जी जब हमारे श्याम के पास जाओ याद करना कि वो सखा आज भी छाक ले लेके वन में जाते हैं और राह देख के बैठे रहते हैं कि कोई आएगा आके हमारा दही अरोगेगा, कोई आएगा आके हमारे खाटे दही को भी मीठा कहेगा, कोई आएगा हमारे मन के मनोरथ पूरा करेगा, कोई आएगा हम पे कृपा करेगा। उद्धव जी के नेत्र भराए, आनंद यशोदा से आज्ञा लेने के लिए आए, यशोदा ने कह दिया, कह देना चाहे कि मन से इंद्रिय से, बाबा कहते हैं मन से इंद्रिय से हम तो प्रभु आपके चरणारविंद में ही हैं, और हे प्रभु और कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं, मनसो वृतयो न स्यो कृष्ण पदाम भुजाश्रया, हे श्याम सुंदर के पास जब जाओ उद्धव और कुछ मत कहना, इतना ही कहना कि यदि हमारा जन्म कोई आवे, चाहे श्याम हमको कभी ना मिले कोई बात नहीं, चाहे हमें श्याम कभी ना याद करें कोई बात नहीं, चाहे श्याम के दर्शन कभी ना हो, चाहे तड़प तड़प के हम मर जाएं कोई बात नहीं, पर एक विनती श्याम से करना, वो तो ब्रह्म है वो तो भगवान है, इतना उनसे कहना कि ऐसी एक कृपा करे कि अगला जन्म यदि हमको मिले तो हम किसी वैष्णव के घर में जन्मे और उस घर में जन्म के वही कृष्ण की सेवा करें और वही कृष्ण की कथा का श्रवण किया करें, और किसी वैष्णव के घर में जन्म लेके जब वही श्याम की वही कृष्ण की सेवा करेंगे और कथा सुनेंगे, हमको लगेगा कि श्याम जन्मों जन्म से हमारे साथ है और हमें कुछ नहीं चाहिए। वही मैया भागती हुई आई, कहने लगी हम तो लाला को कुछ सुख नहीं दे पाए, हमने तो श्रम ही दिया है, ये तो उसकी कृपा है कि हमारे दिए हुए श्रम को भी उसने सेवा मान ली, और तो मैं क्या दे सकूं, ये वस्तु है जब जब भी घर में देखती हूँ और लाला की याद आ जाती है